أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم भिकारी हूँ मैं तो नबी जी के दर का भिकारी हूँ मैं तो नबी जी के दर का के जमाने के शाहों की परवाह नहीं है जो चाहा मिला है जो मांगा मिला है जो चाहा मिला है जो मांगा मिला है के दामन में मेरे भला क्या नहीं है बेकारी हूँ मैं तो नबी जी के दर का और चर्चे हैं उनके मकाला मकामे ये कहता है हर कोई अपनी जबामे ये कहता है हर कोई अपनी जबामे मोहम्मद गमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद गमारे परेशान वाले के रुतबे में उल्सा कोई भी नहीं है के रुतबे में उल्सा कोई भी नहीं है भिकारी हूँ मैं तो नबी जी के दर का और फरमा है लोगो मेरे मुस्तफा का बाजू पकड़ के अली मुर्तजा का बाजू पकड़ के अली मुर्तजा का हूँ मैं जिसका मौला अली उसका मौला हूँ मैं जिसका मौला अली उसका मौला और जो अली का नहीं है वो मेरा नहीं है जो मेरा नहीं है खुदा का नहीं है भिकारी हूँ मैं तो नबी जी के दर का और क्या तुमने देखा वो आना वो जाना के हैरत में है अब तलक ये जमाना के हैरत में है अब तलक ये जमाना वो
रब का बुलाना, ये सब को दिखाना, ओ रब का बुलाना, ये सब को दिखाना कि जो आ रहा है मेरा मुस्तफा है, कि जो आ रहा मेरा मुस्तफा है। भिखारी हूँ मैं तो नबी जी के दर का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिल्मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, والصلاه والسلام على رحمه للعالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا व मौलाना मुहम्मद मबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अहबाब, अल्लाह तबारक ताला का किरोड़ा शुक्र, किरोड़ा एहसान रब्बे करीम ने हम सबको माह रमज़ान के फयूज़ व बरकात से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाई, और दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को, हमारी इबादात को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। आप जानते हैं कि ये बड़ा बरकत वाला, रहमत वाला, इज़्ज़त वाला, शान वाला और रिफत वाला महीना है, और इसका तीसरा अशरा माह रमज़ान का, जो कि मगफरत का, नारे जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, ये जारी और सारी है। और दुआ करें अल्लाह तबारक ताला जहाँ लोगों को बख्शिश के परवाने नसीब हो रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको उसमें से अपना हिस्सा अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको नारे जहन्नम से निजात का अपने कर्म से परवाना अता फरमाए, आमीन। अहबाब, माह रमज़ान जहाँ उसकी बरकतों और रहमतों का ये आलम है कि जो उसकी आमद पर मुसर्रत का इजहार करे, अल्लाह ताला उसको जन्नत का परवाना अता फरमाता है। जो उसके जाने पर अफसोस ज़दा, गम ज़दा हो जाए, अल्लाह तबारक ताला उसको बख्शिश का परवाना अता फरमाता है। तो इस माह रमज़ान के अंदर जहाँ बाकी अनवार व तजल्लियात का नज़ूल वाक़ होता है, रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है, वहाँ माह रमज़ान में कई ऐसे वाक़यात इस्लाम के अंदर रूनुमा हुए हैं जो कि हकीकत बनकर हमारे सामने, और आज तक अहले इस्लाम बिलख़ुसूस और अहले दुनिया उसको नहीं भूल पाए, जिसमें से ग़ज़वा बदर का वाक़या, और जिसमें हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाहु ताला की शहादत का वाक़या। आज 21 रमज़ानुल मुबारक है, और आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। आज का दिन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। मौला अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के, जिनकी विलादत जो है वो काबतुल्ला में हुई, और जिनकी शहादत मस्जिद में हुई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप
रसूल कोनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं, जनाबे अबू तालिब के लखते जिगर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत सैयदना सैयदा ताहिरा आबदा जाहिदा खातून जन्नत बीबी फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर हैं। उस हिसाब से उस रिश्ते से आप दामादे रसूल भी हैं। और अहबाब, आपका शुमार जय सहाबा में होता है और आप मुसलमानों के चौथे खलीफा भी हैं और आप अहले बैत में भी शामिल हैं कि जिनको पंज तन पाक के नाम से याद किया जाता है। उस पंज तन पाक के अंदर मौला अली सुभान अल्लाह उनका नाम सरे फहरिस्त है। तो अहबाब, आज उनका यौम शहादत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल औलिया हैं, इमामुल अतकिया हैं, इमामुल असफिया हैं। सिलसिलाए तरीकत जो है चिश्ती हो गए, सिलसिलाए कादरिया हो गया, सिलसिलाए सोहरवर्दिया हो गया, ये सलासिल जो हैं रसूल कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस सिलसिले की दूसरी कड़ी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। एक सिलसिला जो कि सिलसिला नक्शबंदिया कहलाता है, वो सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस सिलसिला की दूसरी कड़ी जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। बाकी तमाम सलासिल जो हैं उसका ताल्लुक सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। वो अली के जिसकी शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह, आप बाबुल इल्म भी हैं। और अहबाब, कोई भी बड़े से बड़ा कोई मसला होता तो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन उस सिलसिला के अंदर मौला अली से रजू किया करते थे और आप बड़े ही आसान तरीके से उनके जवाब अता फरमाया करते थे, मसाइल को हल फरमाते। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जब विलादत हुई तो आपने अपनी आँख नहीं खोली, आँख अपनी बंद रखी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए तो मौला अली ने उस वक्त अपनी आँख खोली तो मेरा जनू कहता है कि आपने अपनी आँख बंद रखी कि आपके दिल की ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया में आया हूँ तो सबसे पहले जिस चेहरे की मैं तिलावत करूँगा वो कोई और चेहरा ना हो, वो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा। तो सबसे पहली ज़ियारत, सबसे पहला चेहरा जो देखा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा है आपने। जब महबूब ससम को हुक्म हुआ कि वह अनजर अशीरत कल अक्रमीन कि अपने करीबियों को अजीज़ों को इस्लाम की दावत दें, तो जब मेरे आका ससम ने दावत दी तो सबके सब उनमें झुटलाने वाले थे, मगर एक ज़ात ऐसी थी जिनका बचपना था और वो खड़े हो गए और उन्होंने क्या कहा, कहा महबूब आपको मालूम है मैं अशोबे चश्म का मुब्तला हो रहता हूँ, आपको आँखों की दुख नहीं लगी रहती थी, मैं अशोबे चश्म में मुब्तला रहता हूँ और आप जानते हैं मैं कमज़ोर हूँ, बच्चा हूँ, मेरी पिंडलियाँ कमज़ोर हैं, मगर मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वादहु ला शरीक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप अल्लाह के सच्चे और सादिक नबी और रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप जो जिन जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया
तो बच्चों में सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो कोई और नहीं, वो जनाबे मौला अली की ज़ात अक़दस है। सुभान अल्लाह। आपकी इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी है, तो अगर कोई भी बड़ा, बड़े से बड़ा मुहक्किक हो, मुफक्किर हो, कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर हो, इस्लामी डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा जिसको बड़ी महारत हो इस्लामी बुक्स पर, और वो बैठकर बयान करने लगे या वो उस पर तहरीर करने लगे, तो आप यकीन करें सदियां गुजर सकती हैं मगर आपके फजाइल और मनाकिब बयान नहीं किए जा सकते। तो मैं भी आज सिर्फ तबर्रक के तौर पर, उसूल बरकत के तौर पर ये कुछ बातें बयान कर रहा हूं, ताकि ये वाकयात बयान करके मेरी बख्शिश का जरिया बन सके। आबाब मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम देखें कि कोई गजवा ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें आपने शिरकत ना की हो। तमाम गजवात में आपने बड़ी बहादुरी और जमा मर्दी का मुजाहरा किया, और गजवा खैबर के मौके पर तो ये आलम था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं जिसको झंडा दूंगा तो अल्लाह तबारक ताला ने गजवा खैबर की फतह जो है वो उसके हिस्सा में लिखी है। तो सब सहाबी कहते हैं हमें इंतज़ार था कि काश वो झंडा हमें नसीब हो जाए, मगर जब सुबह हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कहाँ है, अली को बुलाओ, अली कहाँ है। तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो बताया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली जो हैं वो अपने खैमे के अंदर हैं और उनको आँख की वही दुखनी अशोब चश्म की तकलीफ है। मेरे आका सल्लम ने फरमाया अली को बुलाओ। मौला अली तशरीफ़ लेकर आए और रसूलल्लाह सल्लम ने क्या किया, मौला अली को बुलाया और बुला कर फरमाया अली ये फतह का झंडा खैबर का मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह ने ये खैबर की फतह तेरे हाथ से लिखी है। तो वो जो अशोब चश्म का मसला था बचपन से पैदाइशी सतह पे था, मेरे महबूब ससरम ने अपनी लुआब निकाली, लुआब दान निकाल कर मौला अली की आंखों में लगाया, और जैसे ही लगाया बेहमदे ताला उस लुआब दान की बरकत का ये नतीजा है, ये मौजा है मेरे महबूब ससरम का कि मौला अली की आंखों की दुखनी अशोब चश्म का मर्ज जो था वो खत्म हो गया। झंडा आपको अता फरमाया और फिर सुबह जिससे मुकाबला हुआ वो बहुत बड़ा माना ताना पहलवान था और उसको मरहब के नाम से याद किया जाता था और पूरा अरब उसको जानता था मरहब को, नाकाबले शिकस्त शख्स था वो। तो जब वो सामने आया तो उसने कहा कि मेरा नाम मरहब है, मुझे दुनिया जानती है, हर तरफ मेरे चर्चे हैं, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बड़ा फला हूँ, अपने वो फजाइल बयान करता रहा, आप सुनते रहे। फिर उसके मुकाबले में जब आप उतरे तो आपने इरशाद फरमाया मेरा नाम अली है और मेरी माँ ने, मेरी माँ मुझे हैदर कहा करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा के शेरों में से शेर हूँ। तो बस उसको ललकारा आपने, फिर उसके मुकाबला हुआ। मुकाबला क्या होना था, एक ही तलवार के वार से आपने उसका सर कलम करके फेंक दिया। अल्लाह अकबर, आप बड़े बहादुर, बहुत जीदार थे, बहुत बहादुर के ऐसी जात के जो के नाकाबले शिकस्त थे। गज़वा उहद के मौके पे जब ये शोर मच गया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता शहीद हो गए और अफरा तफरी फैली हुई थी कि मेरे महबूब सल्लम ने फरमाया कि इस जगह को ना छोड़ना, पहाड़ी घाटी को, तो वो सहाबा ने वो जगह छोड़ दी। तो जाहिरी तौर पे थोड़ी देर पर के लिए शिकस्त के आसार नमूदार हुए, तो भगदड़ मच गई, कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है। तो मौला अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने ना देखा कि मेरे महबूब कहाँ हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने पहले जिंदों में देखा, जो जो फिर रहे थे मुझे नजर नहीं आए। आप फरमाते हैं फिर मैंने कहा शोहदा में जाके देखूं,
तो वहां देखा तो शोहदा में भी नहीं मिले। कहा मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा कि कहीं अल्लाह ने मेरे महबूब को आसमानों पे तो नहीं उठा लिया। तो ये सोचकर फरमाया मुझे ख्याल आया कि जब महबूब को आसमानों पे उठा लिया तो अब सबसे बेहतर अली फैसला ये है कि तू लड़ जाके, और इतना लड़ के लड़ते लड़ते तू शहीद हो जा ताकि यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, तू भी अपने महबूब के पास जा। फिर क्या हुआ, आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा एक जत्था एक गिरोह खड़ा था कुफार का। आप वहां दौड़े, उनकी तरफ गए और जाकर आपको बड़ी बेजिगरी से लड़े, लड़ते लड़ते रास्ता बनता गया बनता गया। आप फरमाते हैं मैं जो आगे गया सामने देखा तो मेरे महबूब खड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैंने अपने आका को देखा, आंखें ठंडी की, मैं खुश हो गया। तो मैंने कहा शुक्र है महबूब ठीक है। इतनी देर में कुफार ने बड़ा शदीद हमला फिर किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कि जी वाका, फरमाया इस हमले को रोको। कहा मैं आगे बढ़ा, मैं बड़ी बेजिगरी से लड़ा, उनमें से कई कत्ल हो गए बाकी दौड़ गए। थोड़ी देर के बाद फिर एक गिरोह ने फिर हमला किया शदीद। कहा फिर सरकार ने फरमाया अली इस हमले को रोक। कहा मैं तन तनहा फिर लपका, फिर बेजिगरी से लड़ा मैं और लड़ा, कई उनमें से कत्ल हो गए, अकेले लड़े वो भागे। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं मुझे देखकर बहुत खुश हुए। इतनी देर में जिब्रील अमीन आए का या रसूलुल्लाह आज तो अली ने बहादुरी का हक अदा कर दिया। मेरे आका ने फरमाया अली अली है, इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु। जिब्रील अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। अल्लाह अली मुझसे और मैं अली से। तो जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूलुल्लाह फइन्ना कुमा, अगर ऐसा है तो मैं आप दोनों से हूँ। सुभान अल्लाह। तो हजरत सैयदना मौला अली रजी अल्लाह ताला अनु बड़े बहादुर बड़े शुजा, तन तनहा मुकाबला करने वाले, आपके तकवे का ये आलम था इबादात का कि आप कभी नमाज नहीं छोड़ा करते थे। आपने सुना होगा कि ये जो डूबा हुआ सूरज जो पलटा वो मौला अली के लिए पलटाया गया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लम ने दुआ फरमाई, एक मुफस्सल वाकया नेट पे मेरे बयानात हैं, आप सर्च कर सकते हैं उसमें, तो पूरी तफसील से मैंने बयान किया इस मसले पर। वो जो सूरज पलटाया गया तो वो मौला अली के लिए पलटाया गया। एक बार जंग के दौरान आपकी पिंडली में तीर पेवस्त हो गया तो साथी जब तीर निकालते थे तो आपको बहुत तकलीफ होती थी। आप फरमाते थे ना निकालो यार इसको, मुझे बहुत तकलीफ होती है। साथियों ने कहा कि अली ये बड़ा जहरीला तीर है और अगर ये तेरे अंदर रह गया तो उस सूरत में ये होगा कि खुदा ना खास्ता तेरी शहादत वाकई हो जाएगी। आपने इरशाद फरमाया कि नहीं यार। वो फिर कहने लगे अली तू हमें तीर निकालने दे। आपने इरशाद फरमाया अच्छा अगर ऐसा है तो फिर इस तरह करो, मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो जब मैं नीयत बांध लूँ नमाज की तैयारी कर लूँ तुम ऐसे करना कि मेरा तीर निकाल लेना। अल्लाह अब आप नमाज में खड़े हुए तो साथियों ने तीर निकाला, जब तीर निकाला तो आपको पता ही नहीं चला, आप हालत नमाज में है, नमाज सलाम फेरा तो खून पड़ा हुआ था, ये खून कैसा है। उन्होंने कहा कि आपका तीर निकाल लिया। तो अली तुझे खबर नहीं हुई। कहा खुदा की कसम मुझे पता नहीं चला तुमने कब तीर निकाला। सुभान अल्लाह। कि वो जो है ना कि भाई नमाज इस तरह से पढ़ो कि तुम अपने रब को देख ले हो, और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम इस तरह तो पढ़ो कि तुम्हारा रब तुमको देख रहा। ये जो है ना कि भाई तुम्हारा रब तुमको देख रहा है, ये तो है हमारे लिए कि हमारा रब हमको देख रहा है, मगर इसके लिए ये भी हुक्म है कि इस तरह पढ़ो कि तुम अपने रब को देख रहे हो। ये वो नफूस कुलसियात हैं कि जब ये नमाज पढ़ते तो नमाज में ये अपने रब के जलवे देखा करते थे, कि उनके जलवों में खो जाया करते थे। जिस तरह मिस्र की औरतें उसने यूसुफ को देखकर वो अपने हाथ की उंगलियां कटवा बैठी मगर उन्हें एहसास तक न हुआ
तो वो तो एक नबी का जलवा था, एक नबी का हुसन था जो अल्लाह ने उसे अता फरमाया। वो उस मुसव्विर की एक हसीन तस्वीर थी कि जिसको देखकर मिस्र की औरतें वो अपनी उंगलियां काट बैठी, मगर उनको तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। जिस मुसव्विर ने इतनी हसीन हसीन सूरतें बनाई हैं, उस मुसव्विर के अपने हुसन का क्या हाल होगा। तो वो मुसव्विर कायनात जो है तो फरमाया कि तुम इस तरह से नमाज पढ़ो कि तुम अपने रब को देख रहे हो। और यही आलम था करबला के मैदान में इमाम आली मकाम और उनके रुफका कि वो जिस बेजिगरी से वो लड़े और शहादत के उन्होंने नजराने पेश किए, तो उनका यही आलम था कि वो सब के सब इस तरह से थे कि जिस तरह के वाकई वो उस महबूब के जलवों में खोए हुए हैं। अल्लाह तो मौला अली रजी अल्लाह ताला अनु आप नमाज में आप बड़ी यकसुई के साथ आपने इबादत फरमानी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब आप साथी के साथ एक गुलाम के साथ आप जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, और गुलाम को कहा चलो बाजार चलते हैं जाकर खरीदारी करते हैं। गुलाम और आप चले गए बाजार, तशरीफ ले गए और जाकर खरीदारी की, और अहबाब क्या खरीदारी की, आपने उसे इरशाद फरमाया कि कपड़े खरीद लो, अपने लिए भी लो मेरे लिए भी एक सूट ले लो। तो गुलाम ने दो सूट खरीदे, एक जरा कॉस्टली था एक हल्का था, तो दो सूट ले लिए। अब उसको दर्जी के लिए देना था सिलने के लिए, तो आपने दर्जी को इरशाद फरमाया कि ये जो अच्छे वाला जो सूट है ये मेरे गुलाम का सी के दे दो, और ये जो हल्का सूट है ना ये सूट मेरे लिए सी दो। तो गुलाम कहने लगा कि आका ये तो मैंने अच्छे वाला सूट आपके लिए मुंतखब किया था, क्योंकि आप मेरे आका हैं, हल्का सूट मैंने अपने लिए पसंद किया था क्योंकि मैं आपका गुलाम हूं। आपने फरमाया ये क्या कह दिया, आपने इरशाद फरमाया सुन मैं तो बूढ़ा हूं तू जवान है, ये अच्छा सूट जो है ना वो तेरे जिस्म पे अच्छा लगेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज काश हम मौला अली के नाम के नारे भी लगाते हैं, हम लंगर भी पकाते हैं, उनके नाम के चर्चे भी करते हैं और खुद को हम अली वाला भी कहते हैं, मगर हमने मौला अली की सीरत को कभी पढ़ना ही नहीं गवारा किया। उनका तरीका कार अपने गुलाम के साथ ऐसा एटीट्यूड था, हम ये सोचें कि हम अली के मानने वाले हैं कि हमारे पास जो हमारे सर्वेंट काम करते हैं नौकर जो हैं हमारा उनके साथ क्या रवैया है। हमारा अगर सर्वेंट अच्छा कपड़ा पहन ले तो हमें तकलीफ हो रही होती है, अच्छा जूता पहन ले तो तकलीफ हो रही होती है, अच्छी घड़ी बांध ले तो तकलीफ हो रही होती है, ये हमारे बराबर का कैसे हो गया। तो हमारा हाल ये है जबकि मौला अली सुबहान अल्लाह जो तकवे के पैकर हैं और उन्होंने सबक दे दिया कि किसी को अपने से गिरा हुआ ना समझो, किसी को अपने से हल्का ना समझो, किसी को कमजोर ना समझो, और जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो क्या है तुम्हारा, कुल्लु मोमिनूना इख्वतुन वो तुम्हारा भाई है। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। अब आप एक जंग में आप जंग कर रहे हैं तो आपने दुश्मन को पकड़ा घेरा उसको नीचे पटक दिया और फिर खंजर निकाल कर जब आप उसका कत्ल करने लगे तो वो उसने क्या किया, वो नीचे पड़ा था उसने मुंह ऊपर करके ना मौला अली के चेहरे पे थूक दिया। जैसे ही थूका आपने क्या किया आप उतरे, उतर कर आप एक तरफ हो गए। अब वो कहने लगा अली क्या बात है तू मुझे कत्ल क्यों नहीं कर रहा। आपने फरमाया मैंने अब तेरा कत्ल नहीं करना। कहता है अली क्यों कत्ल नहीं करना, फरमाया मैं कत्ल तुझे इसलिए कर रहा था कि तू दुश्मन खुदा और दुश्मन मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कहने लगा क्या मैं आप दुश्मन खुदा और दुश्मन मुस्तफ़ा नहीं रहा? आपने फरमाया तो दुश्मन खुदा है और दुश्मन मुस्तफ़ा है। तो उसने कहा तू कत्ल क्यों नहीं करता मुझे? आपने फरमाया बात यह है कि तूने मेरे चेहरे पर चूंके थूक दिया है, तूने मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह किया, अब अगर मैंने तेरा कत्ल कर दिया तो कयामत के दिन मेरा मौला कहीं मुझे ये ना फरमाए कि अली उस कत्ल का जवाब दे कि जो तूने अपने नफ्स के इंतकाम के लिए किया था। तो मैं तो अल्लाह के लिए जंग लड़ रहा था, अब मैं अगर मुझे ये हुक्म हो गया तो मैं अली तो हलाक हो जाऊंगा ना, तो इसलिए मैं इस तरह नहीं करता, तो जा मैं तुझे छोड़ता हूं। तो बताते हैं कि वो उठा, उसने मौला अली के दामन को पकड़ लिया, कहता है तेरा अखलास, तेरा अखलाक ये बताता है कि तू सच्चा है, तेरा नबी सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, और जल्दी कर मुझे कलमा पढ़ा और अपने दामन से व्यवस्था कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी सीरत जो है वो हमारे लिए मशले राह है। आज हम अपनी छोटी छोटी बातों पे भाइयों हम अपने इंतकाम लेते हैं, और जो भी हमारे अक्सर जो झगड़े हैं, जो घरों में हमारे फसादात हैं, हमारे ऑफिस के अंदर जो झगड़े होते हैं, जो स्टूडेंट तबका है उनके जो स्टूडेंट लाइफ में जो झगड़े होते हैं, जहां काम करते हैं वहां झगड़े, जहां रूम में हम इकट्ठे रहते हैं रूममेट से झगड़े, मस्जिद में जाते हैं वहां झगड़े, रोड पे जाते हैं तो रोड पे झगड़ा, ट्रैफिक पे भाई तू वो आगे क्यों निकल गया, मुझे तूने क्रॉस क्यों कर लिया, तू मुझे रास्ता क्यों नहीं दे रहा, रोज रोड पे झगड़े और फसाद हो रहे होते हैं, लोग हैपर होके गाड़ियां ठोक रहे हैं पीछे से, कोई आगे से ठोक रहा है, कोई इधर फसाद कर रहा है, कोई उधर फसाद कर रहा है, और फिर भी आप अगर किसी से भी पूछे तो वो कहते हैं मैं मौला अली का शदाई हूं। अरे खुदा के बंदे मौला अली का तू कहां शदाई है? वो तो कहते हैं अपने नफ्स के लिए इंतकाम ही ना लो। वो तो कहते हैं कि जिंदगी गुजारो तो मोहब्बत है खुदा और इश्क मुस्तफा में गुजारो। सुभान अल्लाह, जो अमल करो इताअत खुदा और इताअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करो। और हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े और फसाद खड़े कर देते हैं। अगर हम अपने नफ्स के लिए इंतकाम को छोड़ देना, आप यकीन करें कि हमारे घरों में अमन आ जाए, ये हमारे दोस्तों में जो झगड़े फसाद होते हैं वो खत्म हो जाए। आप किसी बंदे को भी देखे ना कि झगड़ा क्या है, आप वो अल्लाह के लिए झगड़ा नहीं होगा उसका, ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो झगड़ा जो फसाद होना है वो अपनी जात के लिए होना है। अब एक बंदा घर आता है, घर आकर वो जब देखता है कि घर की क्लीनिंग नहीं हुई, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो वो लड़ पड़ता है, उसके कपड़े इस्त्री नहीं हुए तो लड़ पड़ता है, उसके कपड़े नहीं धुले तो लड़ पड़ता है, वो उसके शू पॉलिश नहीं हुए तो वो लड़ पड़ता है, अच्छा कुकिंग नहीं हुई तो लड़ पड़ता है, खाना टाइम पे नहीं मिला तो लड़ पड़ता है, अच्छा चलो खाना टाइम पे छोड़ो, खाने में अगर सालन में नमक ज्यादा हो गया तो फसाद है, मिर्च ज्यादा पड़ गई तो फसाद है, यानी उसकी पसंद के मुताबिक जब काम नहीं होता तो वो बंदा झगड़ा और फसाद करना शुरू हो जाता है। और उस बंदे ने कभी झगड़ा किया घर में बीवी से बच्चों से आके पूछा नमाज पढ़ी है, तुमने अल्लाह को याद किया है, रोजा रखा है? ना ना ना, वो कहता है बाढ़ में जाओ, रोजा रखो रखो, ना रखो ना रखो, नमाज पढ़ो पढ़ो, ना पढ़ो ना पढ़ो, मुझे इससे कोई गरज नहीं। झगड़ा और फसाद जो है वो अल्लाह के लिए नहीं है, झगड़ा और फसाद हमारा अपनी जात और अपने नफ्स के लिए। और यही वजह है कि हमारी दुनिया भी नाकाम जा रही है, आखिरत का अल्लाह ही हाफिज है। तो मौला अली फरमाया करते थे मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, फरमाया जिसने अपने नफ्स की पहचान कर ली उसने अपने रब की पहचान कर ली। सुभान अल्लाह। तो नफ्स की पहचान जो है वो करनी चाहिए कि ये नफ्स इंसान को गलत रास्तों पे लेके जाता है, गुमराह करने की कोशिश करता है। तो ये जो रोजा है ना, रोजा ये जो हुक्म हुआ है रोजे के लिए, ये भी इसलिए है कि रोजा रखने से बंदे की शहवत कंट्रोल होती है, रोजा रखने से नफ्स कंट्रोल में आता है। ये जो हमारा हर मिनट के बाद नफ्स कहता है जा हुन पिज्जा खा ले, चल बर्गर खा ले, चल हुन चटपटी चीज, चल हुन फलानी चीज, तो उसमें हम लगे रहते हैं अपने नफ्स की ख्वाहिशों को तकमील पहुंचाने के लिए। तो जैसे अंदर हमारे गड़बड़ होती है कि भाई ये कर लूं, अब वो कर लूं, इसको गाली दे दूं, उसको थप्पड़ मार दूं, उसको वैसा कर दूं, इसके साथ ऐसा कर दूं,
तो हालत रोजा के अंदर हुक्म दिया कि भी तुम ये ना खा वो ना खा, सारा दिन ना खाना है ना पीना है, ना गाली देनी है ना गीबत करनी है ना चुगली करनी है ना बोतान लगाने हैं, ना तूने जिना करना ना बदकारी करनी ना तू कत्ल करना, तू रोजा में है। अच्छा रोजादार कमीने से कमीनी तबीयत का भी बंदा हो ना, अगर रोजा रख के खड़ा हो तो उसको बारह एहसास होता है मैं रोजे में हूं। वो कहता नहीं मुझे ये गुनाह नहीं करना, मैंने इसको बुरी नजर से नहीं देखना, मैंने इसको गाली नहीं देनी, नहीं नहीं मर्डर नहीं करना, नहीं मैंने फलाना नहीं करना, मुझको चोरी नहीं करनी, मुझे हराम नहीं खाना, इसलिए कहता मैं हालत रोजा में हूं। सुभान अल्लाह। तो रोजे का मकसद ये है कि इस रोजे की बरकत से बंदा अपने नफ्स पर काबू पा ले। अगर 30 दिन बंदा मुसलसल रोजे का हक अदा जब करता है ना, रियाजत करता है, ये रियाजत है, ये बहुत बड़ा मुजाहदा है। जब वो बंदा 30 दिन अच्छे तरीके से गुजारता है तो रब्बे करीम खुश होकर उसको तकवे का एक आला मकाम मर्तबा अता फरमाता है, और जिसकी बरकत से बाकी 11 महीने भी बंदा गुनाहों से महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो मौला अली रजी अल्लाह तआला को इमामुलत किया है, मुत्तकी हजरात के वो क्या है भला, इमाम है, इमाम इमामुलत किया। सुभान अल्लाह। उनके तकवे का क्या कहना। सुभान अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं वमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वला किल्ला तशोरून। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हो जाते हैं, अल्लाह फरमाता है उन्हें मुर्दा मत कहो, वो क्या है, अल्लाह फरमाता है वो जिंदा है। सुभान अल्लाह। वो जिंदा है वला हयान, बल्कि वो जिंदा है वला किल्ला तशोरून, तुम्हारे तुम्हें शऊर नहीं है कि मैंने उन्हें कैसी जिंदगी अता फरमाई है। तो मौला अली जो है उनको शहादत नसीब हुई। अहबाब शहीद जिंदा होता है, शहीद जिंदा होता है। अली कल भी जिंदा थे, अली आज भी जिंदा हैं, अली कल भी जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं और वो जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह। मिंबरों पे उनके तज़किरे हैं। सुभान अल्लाह। हैं तो वाज़ों में उनके तज़किरे हैं, तकरीरों में उनके तज़किरे हैं, तो तहरीरों में उनके तज़किरे हैं। कैसे ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मुझसे है मैं अली से हूँ। सुभान अल्लाह। अली मुझसे मैं अली से, और कमाल मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब आप हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा तशरीफ लेकर आए ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मदीना तैयबा जब तशरीफ लेकर आए, हजूर ने सब सहाबा को मुहाजिर और अंसारी को बुलाया, तू इधर आ तू इधर आ, तुम दोनों भाई हो तू इस भाई को ले जा। फिर एक अहले मदीना को बुलाया, अंसारी सहाबी को, इधर मुहाजिर साहबी को बुलाया, तुम इधर आओ, उन दोनों के हाथ मिलाए, आज से तुम दोनों भाई हो, इस भाई को साथ ले जाओ। वो साहबी ले गए, सारी मस्जिद नबी खाली हो गई और मौला अली जो हैं वो वहाँ पर खड़े हुए। तो बाद में अर्ज की, महबूब मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे आपने किसका भाई बनाया, मैं किसके साथ जाऊँ। मेरे आका सब ने फरमाया, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर हजरत अली को खूब गले से लगाया और फरमाया, या अली अंता अखीयुन फिर दुनिया वल आखिरा। अली सुन, दुनिया और आखिरत के अंदर तू मुझ मुस्तफा का भाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अली रजी अल्लाह तआला नु आज जिनका योम शहादत मनाया जा रहा है, मैं अपने नाजरीन को कारीन को ये गुजारिश करूंगा कि आपकी सीरत पर कमा हक का वो गौर करें और आपका नाम लेकर झगड़े और फसाद ना करें। आपकी सीरत पर गौर करें, आप मोहब्बत का पै करें, आप अखलाक का पै करें, आप जोहद का पै करें, आप तकवे का पै करें। सुभान अल्लाह। आप अता का पै करें, आप सखा का पै करें। आपकी सखा का ये आलम था कि आप जंगली घास काट कर उसे बाजार मदीना में सेल आउट करते और उसके तीन हिस्से करते बेचकर, और दो हिस्से जो थे अल्लाह के नाम पर खर्च कर दिया करते थे, एक हिस्सा अपने बच्चों हसनैन करीमैन के लिए लाया करते थे। कमाल आफरीन है, एक दिन जब कोई दो हिस्से पहले बांट चुके, तीसरा हिस्सा जो लेके जा रहे थे तो रास्ते में कोई मिल गया, उसने कहा अली अल्लाह के नाम पे मुझको खैरात दे। जब ये कहा तो मौला अली ने उसको जब खैरात दी, वो आखिरी हिस्सा था, आपके घर में अहबाब कोई स्टॉक नहीं था, फ्रिज के दौर ही नहीं थे, कोई किसी किस्म का अगले दिन का राशन नहीं था, ताजी कमानी ताजी खानी,
घर में कोई ऐसा स्टॉक, कोई राशन, कोई दिरहम, कोई दिनार कुछ भी घर में मौजूद नहीं था। आपको पता था मैं ताजे अब कमा के जाऊंगा, इससे बाजार मदीना में से मैं ताजा सौदा सल्फ खरीदूंगा और इससे मेरी बीवी मेरे बच्चे जो हैं वो खाना खाएंगे। और दो हिस्से तो पहले अल्लाह के नाम पे आपने तकसीम कर दिए, अब वो जो तीसरा हिस्सा था जब उसने सवाल किया आपने इनकार नहीं किया, अल्लाह के नाम पे उसको खैरात अता फरमा दी। और आप जब गए, अब तो कुछ भी नहीं था हाथ में, घर चले गए और सोचते जा रहे हैं फातिमा कहेगी घर के लिए क्या लाए हो, खाने में क्या लाए हो, तो सोचों में मुब्तला थे। तो जब घर गए तो हुजरे में देखा रसूल अल्लाह अकबर, घर की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में एक शख्स मिला, वो कहने लगा अली काजी, कहते ये ऊंटनी फार सेल है, तूने खरीदनी है? आपने फरमाया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। उसने कहा अली उधार पे ले ले। अल्लाह अकबर, तो सौदा डन हो गया, आपने उधार पे ले ली। उधार पे लेकर आपने क्या किया, उस ऊंटनी को बाजारे मदीना में जाके सेल आउट किया और फिर सेल करके अब उस शख्स को तलाश करते फिरते हैं, वो बंदा मुझे मिले और मैं उसके पैसे उसको वापस कर दूं। अल्लाह अकबर, तो वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप बड़े परेशान, बहुत उदास होके घर आकर बैठे। घर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तशरीफ फरमाते, फरमाया अली क्या बात है, क्यों परेशान हो? अली ये बता कि ऊंटनी वाला वाकया तुझे मैं बताऊं कि तू मुझको बताता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ऊंटनी वाला वाकया मैं बताऊं कि तू बताता है? तो अर्ज की महबूब आप इशारा फरमाए, तो आका ससन ने फरमाया कि अली कि जब तू इस तरह से घास बेचकर बाजार मदीना में बेचकर और तू दो हिस्से अल्लाह के नाम पे खैरात करके एक हिस्सा, और जब तू बच्चों के लिए वो जो तेरे पास था वो भी तूने अल्लाह के नाम पे जब खैरात कर दिया, अल्लाह को तेरी अदा ऐसी पसंद आई, अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया कि इस तरह करो जन्नत से ऊंटनी ले जाओ, अली के हाथ से लोड कर दो। वो फरिश्ते आए तेरे हाथ से लोड कर दिया, फिर अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया आप शक्ल तब्दील करके अली से महंगे दामों खरीदो। आके महंगे दामों खरीद लिया, अल्लाह चाहता था वो तुझको नफा दे। और जानता है अली वो ऊंटनी कहां से आई? या रसूल आप जानते हैं, कहा जन्नत से आई। अब कहां गई? महबूब आप जानते हैं कहां गई? फरमाया वो जन्नत में वापस चली गई। ये वो ऊंटनी है कि कल कयामत के दिन मेरी बेटी जारा जन्नत के अंदर इस पर सवारी फरमाएगी। तो अहबाब जिनके इश्क का ये आलम, सखा का ये आलम है, अल्लाह अल्लाह अकबर। आज हम यकीन जानो हम तो ज़कात देने को तैयार नहीं होते, हम फितराना निकालने को तैयार नहीं, हमारी तो कल्बी हालत का ये आलम हो गया है। हम तो माल के और औलाद के, हम अपने पैसों के आशिक और दीवाने हुए बैठे हैं। अहबाब माल, अपने माल में से ज़कात फर्ज है, ज़कात अदा करें, अब फितराना वक्त पे अदा करें ताकि किसी गरीब मिस्कीन के काम आ जाए। और कोशिश करें आपके अरीब करीब कोई गरीब गुरबा हैं तो उनकी खिदमत करें, उनको राशन पहुंचाएं, उनको कपड़े दें, उन्हें जूता पहनाएं और उनकी खिदमत करें। मौला अली से मोहब्बत का दम भरने वालों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रसूल कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दम भरने वालों, मैं गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए इस वक्त जो है कौम की बड़ी बुरी हालत है, हर तरफ बड़ा अजीब आलम है, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बिजनेस फॉल डाउन का शिकार है, इकॉनमी का बड़ा बुरा हाल है, लोगों की महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। मैं गुजारिश करूंगा कि अपने माल ज़कात में से, माल खैरात में से, माल सदकात में से, फितर में से और अपनी जेब खास में से आप जितना खर्च कर सकते हैं कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो कल कयामत के दिन मौला अली भी खुश होंगे और मौला अली का महबूब भी खुश हो जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम हम सबको मौला अली के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी सीरत तैयबा को सुनने और उसको आम करने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी आज की इस निशस्त को जरिया निजात बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।